हम उठाते हैं बोझ उठा है। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों के साथ और ये बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हो भैया? मेरा नाम कलूराम है। कलूराम जी, आप ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कुली यूनियन के अध्यक्ष हैं। जी जी जी। अभी बजट आने वाला है, उसमें रेल बजट जो कि समाहित हो चुका है, तो अभी आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए आपकी? इस बजट में तो हमें बहुत उपेक्षा है सर। इसमें हमें मतलब ग्रुप डी का दर्जा मिलने वाला है, उसके लिए हम बहुत इच्छुक हैं। हाँ। और सारे भारत के ऑल इंडिया के जो भी कुली है वो सभी यही बात चाहते हैं कि हमें इस बजट में मोदी जी हमें खुश करें, ये चाहते हैं। कुछ करें। पिछली बार भी आपसे कुछ वादे किए गए थे, वो क्या पूरे हो पाए? सर पिछली बार जो वादे किए थे, नौकरी के कुछ वादे किए थे, तो उसमें हमें कुछ नहीं मिल पाया। हमें सिर्फ सहायक नाम मिला था, तो सहायक नाम से तो हमारा पेट भरेगा नहीं। हाँ। हमारा तो सिर्फ हमें मतलब ये बोझा का जो कार्य है ये बहुत कम हो चुका है, तो हमें ग्रुप डी में मिलेगा तो कुछ हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं उससे, ग्रुप डी से नौकरी से। आप लोगों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उसका कुछ फायदा मिल पाता है आपको? सर कोई फायदा नहीं है। जो पास है, जो हमारा गवर्नमेंट ने वो पास लागू कर रखा है, वो सिर्फ 2 महीने का पास लागू कर रखा है। उस पास में क्या है कि उसमें हमारे मतलब जो क्या है कि बीवी और अपने खुद के लिए, बच्चे भी नहीं है, तो उससे हमें कोई फायदा वाली बात है नहीं। और अगर हमें पास देना ही है गवर्नमेंट को, तो कम से कम जितने गवर्नमेंट के कर्मचारी को मिलता है उतना पास दिया जाए। जी। और वो जो पास है, आप जैसा आपने बताया कि 2 महीने के बाद उसकी मियाद होती है, आप उसको रिन्यू कराने जाते हैं तो कुछ क्या पैसा वैसा देना भी पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता कुछ। वो हमें सिर्फ 2 महीने के लिए पास होता है, वो हम ऑल इंडिया में कहीं भी 2 महीने सफर कर सकते हैं। 2 महीने है। और अभी आप देख रहे हैं जैसे कि सरकार के दावे थे कि बहुत साफ सफाई वगैरह रहेगी रेलवे स्टेशनों पर, ट्रेनों के अंदर, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ऐसी बेहतर हालात दिख नहीं रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो यात्री आते हैं वो ज़्यादा गंदा करते हैं या ये पहले से ही जो रेल कर्मचारी हैं वो साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं? यात्री भी मतलब सफाई इतनी गंदी नहीं करते हैं, यात्री भी सफाई रखते हैं, और रेल कर्मचारी वो अपना पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इसमें, मतलब सफाई में हम भी उसमें पूरा सहयोग देते हैं, क्योंकि हम जो पैसेंजर जो गंदगी करते हैं उसको हम बोलते हैं कि स्टेशन के अंदर जो कूड़ादान लगा हुआ है उसमें कूड़ा डालें। पर क्या है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेस गाड़ी ज़्यादा है तो उनमें कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कचरा फैला ही देते हैं। जी जी जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हाशिम खान है। हाशिम खान जी, ये बताइए कि अभी आपने बताया इन्होंने कि जो चाह रहे हैं आप लोग कि डी ग्रुप डी में दर्जा मिल जाए, और इसके अलावा और क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक विस्तार से कि हम इस वक्त पूरे हिंदुस्तान सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठा हुआ है बिल्कुल दुआओं में, और क्योंकि उनका बीवी बच्चे सबका भविष्य है। हमारा रोज़गार बहुत कम हो गया है, आजकल हर सूटकेसों में पहिए लगे हुए हैं, कुली को हमको दो दो दिन हो जाते हैं बहुने के हुए, तो अब हमारा इससे रोज़गार नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमको ग्रुप डी के अंदर अगर नियुक्त कर दे तो हमारा पालन पोषण बहुत अच्छा और बेहतर हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हम बहुत ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। जितनी 3 सालों से नीति, इस साल हमने ज्ञापन भी दिए हैं, सरकार को दिए हैं, हर रेल मंत्री को भी दिए हैं, रेल राज्य मंत्री को दिए हैं, अभी भी रेल राज्य मंत्री आए थे परसों, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया, वो हमको बिल्कुल उम्मीद तो देकर गए, लेकिन हमको उम्मीद 99% उम्मीद है हमको कि इस बार इस बजट के अंदर सरकार ज़रूर हमारी मांगों को देगी। कृपानाथ योगी। हाँ अच्छा, योगी जी हमारे साथ हैं। योगी जी ये बताइए कि अभी जो सरकार ने भार वर्ग में कुछ दाम तय कर रखे हैं, तो आप लोग उतना ही चार्ज करते हैं या उससे ऊपर चार्ज करते हैं? अरे सर हम तो उतना ही चार्ज करते हैं, लेकिन पैसेंजर हमारा उतना भी चार्ज नहीं देता है। और जैसा कि अभी हमारे को बताया आपके साथी ने कि दो दो दिन हो जाते हैं बोनी किए हुए, तो क्या ये वाकई में सही है? सभी के साथ ऐसा होता है कि एक आध के साथ ऐसा हो जाता है? नहीं, 2-4-5-10-20 के साथ में ऐसा होता है, बिल्कुल ही भोड़नी नहीं होती है। सुबह 4 बजे से आया हूँ सर जी। हाँ जी, तो अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला, तो हमारी मांगे यही है, सब कुलियों की है या मेरी है, सब भाइयों की है, कि हम जो निशाना लगा के बैठे हैं ग्रुप डी का, वो हमारा पूरा होना चाहिए।